तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो और आपको रील्स बहुत ही पसंद है और आप रील्स को डाउनलोड करना चाहते हो, गैलरी में सेव करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप सब इंस्टाग्राम रील्स को डाउनलोड कर सकते हो, गैलरी में सेव कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, बिना किसी एप्लीकेशन के और बिना किसी वेबसाइट के, मतलब कि भाई आपको इस टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने देखा बहुत सारे वीडियो में कोई वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एक इंस्टाग्राम का ही सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिससे आप इंस्टाग्राम रील्स को गैलरी में सेव कर सकते हो बिना किसी ऐप और वेबसाइट के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले परिचय तो बनता है। सो हेलो दोस्तों, मैं नहीं पप्पन और आप देख रहे हो मेरे को, और मैं देख रहा हूँ, क्या सोच रहे हो, आपको देख रहा हूँ, तो जी आपको ही देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तो मैं आपको कैमरा फाड़ के देख भी सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपका फ़ोन का इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद फिर आपको रील्स पे जाना है, और उसके बाद फिर आप जिस भी रील्स को डाउनलोड करना चाहते हो, गैलरी में सेव करना चाहते हो, तो आपको उसका राइट साइड पे ऐप पे नीचे जहाँ पे तीन डॉट है उसके ऊपर जो एक शेयर वाला आइकॉन है, जहाँ पे क्लिक करके आप रील्स को शेयर कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप सब यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर सकते हो। और उसके बाद सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन है भाई, ऐड रील टू योर स्टोरी, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और स्टोरी की नाम सुन के भाग मत जाओ, आपको स्टोरी पे किसी का भी रील्स को अपलोड करना नहीं पड़ेगा भाई, आपको स्टोरी लगाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक सीक्रेट ट्रिक है, ठीक है। तो आपको ऐड रील टू योर स्टोरी पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद फिर राइट साइड पे कोने पे जहाँ पे तीन डॉट है, ठीक है, जहाँ पे स्टार जैसा आइकॉन है और उसके राइट साइड पे जो तीन डॉट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा जैसे कि ड्रॉ और सेव, तो आपको क्या करना है, नीचे वाला सेव पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, लोडिंग होगा, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जब तक सेव नहीं होता है, तो उसके बाद फिर सेव हो जाएगा, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो वीडियो सेव, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ मेरा फ़ोन का जो गैलरी है तो उसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई रील्स जो है वो सेव हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपना फ़ोन का गैलरी को ओपन कर लिया है और रील्स जो है वो सेव हो चुका है बिना किसी एप्लीकेशन और बिना किसी वेबसाइट के। तो है ना कमाल की इंस्टाग्राम का सीक्रेट ट्रिक। तो दोस्तों, ऐसे करके आप सब इंस्टाग्राम रील्स को बिना किसी एप्लीकेशन और बिना किसी वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो गैलरी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक कर देना, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो फिर डिसलाइक कर देना, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप लाइक क्यों करोगे। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना आपका मनपसंद रीलर कौन है, मतलब कि भाई जैसे कि यार बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, जैसे कि भाई रोहित भाई या फिर और भी काफ़ी सारे है ना, उसके बाद फिर जन्नत तुषार या फिर भाई ऐसे बहुत सारे रीलर्स है ना, तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका मनपसंद रीलर्स कौन सा है। और वीडियो को शेयर करके फैला देना अपना दोस्त या फिर जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे से बातें करना चाहते हो या फिर आपका इंस्टाग्राम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम जो नाम है पापा अनबियर, मैं आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा या फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, घर पे रहिए, सतर्क रहिए, बाय बाय।